उससे भी ज्यादा अहम है, हमने लेना है आईफोन 14 प्रो मैक्स। और कैसा चल रहा है, अभी आ रहे हैं क्या? बस सुबह आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जासन। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। आप लोग समझते हैं सऊदी अरब वाले बड़े याशी करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको जो सऊदी अरब वाले बड़े याशी करते हैं और बड़े सुकून से होते हैं। आप तो देख रहे होंगे कैमरे में यार, बड़े इंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, इधर बॉटल है खाली है पानी की, पहले चल के पीते हैं पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सऊदी अरेबिया में पानी आपको बाहर से भरना पड़ता है, यहाँ पे मोटर या नलके वाला कोई सिस्टम नहीं होता। अगर होता तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नीचे डीजल पेट्रोल निकल आता, तो इसलिए ये वाला पानी खारा पानी होता है और पीने के काबिल नहीं होता, इसलिए बाहर से भरना पड़ता है। चल के पहले पानी भरते हैं, उससे पहले नाश्ता लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही है सुबह की। अभी मैं ड्यूटी से वापस आया हूँ और आपको दिखाता हूँ आज का माहौल। आज मंडी है बेच में, इसीलिए ये लोग जो है ना घास वगैरह लेके जा रहे हैं, मंडी से लेके आ रहे हैं बकरियों के लिए। और गाड़ियां हर तरफ नजर आएंगी, आगे भी एक गाड़ी जा रही है। यहाँ पे गाड़ी पार कर रहे हैं, वो सामने होटल है, वहां से नाश्ता लेके आना पड़ेगा। दोस्तों नाश्ता ले लिया, अब चलते हैं, चल के भरते हैं पानी। ये है जी वादी बेश, यू टर्न लंबा है इसलिए शॉर्टकट ही मारते हैं, बाजार से चलते हैं। यहाँ पे जिनके पास समझ लें कि जिनके मीटर लगे हुए हैं गवर्नमेंट के पानी के, तो जो नहाने वाला पानी है वो तो आता है, लेकिन बाज़ोकात बहुत ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पे गाड़ियों से टैंक फुल करवाते हैं और फिर उनको बिहारा भी निकलवाना होता है। यानी कि यहाँ पे नालियों वाला सिस्टम नहीं है सऊदी में, जिस तरह हमारे पाकिस्तान या इंडिया में है, वो ऐसा नहीं है। ये मजदूर चौक है सूख जहब, यहाँ पर भी दो पाकिस्तानी होटल हैं। यहाँ पे मोहल्ले वगैरह में लोगों ने दुकानें बनाई, यहाँ पे एसी फ्रिज वगैरह की पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेश बहुत ज्यादा लोगों ने बनाई हुई दुकानें। ये सामने दुकान चेक करें, देखें पुरानी दुकान। बाज़ औक़ात इन एरियों में बल्दिया बहुत कम चेक करती है, तो इसलिए लोग जो है ना बस गुजारा करते हैं, वरना तो दुकान अच्छी दुकान होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह ये सारा। हम जा रहे हैं गली में से, अगर हम ऊपर से आते तो हमें जो है ना 2-3 किलोमीटर का सफर पड़ जाना था। चल भाई चल चल यार, यहाँ पे वैसे ही रश है गाड़ियों का। ये आ गया जी रोड, दूसरी तरफ हमारा मोहल्ला है। ये चीज चलें जी राइट को होते हैं और ये है सामने पानी वाली दुकान। यहाँ पे बैठा है दोस्त हमारे, इससे भी चेक करते हैं। ये पानी की दुकान है जी, रिवर्स लगाते हैं क्योंकि बोतलें पड़ी हैं डिग्गी में। सर खैरियत है, तबीयत से ठीक है? आप सुना, तबीयत से ठीक है? सब ठीक है, खुश हैं? खुश है इंशाल्लाह। ये हैं जी हमारे भाई फ्रॉम इंडिया से, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा टाइम गुजर रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, अल्लाह अच्छे से गुजार रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तबीयत से ठीक है आपकी? ये है जी सामने दुकान, यहाँ से भाई पानी भरेंगे। तो और कैसा चल रहा है, अभी आ रहे हैं क्या? बस सुबह आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों पानी भरवा रही है, अब चलते हैं बकाले में, ठीक है सर जी? इजाज़त होगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही बकाला है, पहले बकाले पे चलते हैं, वहां से जो है ना कुछ सामान ले लेते हैं खाने पीने का। ये है जी बकाला, यहीं पे कर देते हैं पार्क। देखें बेचारे माशाल्लाह कैसे मेहनत करते हैं यहाँ पे यार लोग। सऊदी वालों को तो बैंक समझा जाता है कि जैसे यहाँ पे जो है ना बस दरख्तों पे लगे हुए पैसे और जो है ना कोई अहमियत या कुछ नहीं जाना जाता, बस जहाँ से दाल लगता है लगा लो,
लेकिन यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सुबह 5 से लेकर रात को 9 बजे तक काम करते हैं। ये है जी बकाला, यहाँ से लेते हैं दूध का डब्बा। दूध का डब्बा कौन सा लिया जाए? सऊदी हलीब, शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ पे बैठा नहीं है, कहाँ गया है? यहाँ से हमने लेने थे खीरे, खीरे भी ले लिए और दूध भी ले लिया, बाकी सब कुछ पड़ा है रूम पे। चलें दोस्तों सामान ले लिया है, अब चलते हैं रूम पे और चलते हैं करते हैं नाश्ता। भाई भूख बहुत लगी हुई है और टाइम 9:15 का होने वाला है, तो मिलते हैं आपको बाद। तो नाश्ता करने के बाद हमें जो है ना कॉल आई है, अब जा रहे हैं जिजान, एक दोस्त को पिक करना है, तो चलिए चलते हैं उसको पिक करते हैं। उससे पहले डलवाते हैं पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ये आ गया है पेट्रोल स्टेशन, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। कैमरा है? हाँ जी, वो उधर दिखाता है। हाँ दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया है, अब निकल रहे हैं जिजान के लिए। दिखाते हैं आपको जिजान और दोस्त को भी पिक करते हैं। उससे भी ज्यादा अहम है, हमने लेना है आईफोन 14 प्रो मैक्स, अल्लाह करे हमें मिल जाए, क्योंकि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया था। तो चल के देखते हैं, एक दो फ्रेंचाइज चेक करेंगे, शायद मिल जाए। अच्छा जी दोस्तों इसको पिक लग कर लिया है मिस्टर मार्वन को। मिस्टर मार्वन हाउ आर यू? ग्रेट। तो अभी जा रहे हैं जो है ना चेक करते हैं मोबाइल, कि मोबाइल हमें मिल जाए। यार कितने दिन हो गए मैं वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 12-13 दिन हो गए। चलते हैं देखते हैं अल्लाह करेगा। आज तो एक फ्रेंचाइज पे देखते हैं, चेक करते हैं इनके पास मिलता है या नहीं मिलता। ये जिजान का शहर है, ये सामने एसटीसी का ऑफिस है दोस्तों। इनके पास भी नहीं मिला, इनके पास 2 कैमरे वाला था, यानी प्रो था, प्रो मैक्स नहीं था। तो पता नहीं क्या वजह है, मोबाइल वालों के पास जो है ना स्टॉक नहीं आ रहा, पता नहीं कब तक आता है, देखते हैं इंशाल्लाह, इंतज़ार करते हैं। क्योंकि मुझे 3 कैमरों वाला चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए, तो प्रो नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बेश में दोबारा वापस। मोबाइल तो आपको पता है मुझे मिला नहीं है, 2 कैमरों वाला था, 3 कैमरों वाला था नहीं। तो जैसे मैं मोबाइल ले रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पहले मोबाइल रिसीव कर लूँ, फिर आपको बताऊँगा, आप भी ले सकते हैं, तो ईजी है। तो अभी ये गया है बकाले में अंदर। दोस्तों आ चुके हैं रिहाइश पे, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये वाली रबड़ होती है ना सारी निकल गई है, ये जो वहाँ पे थोड़ा रेत में गाड़ी चलाई है, तो नीचे से बम्पर से नीचे से सारा वो टूट गया, इसको बनवाएंगे बाद में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।